हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इस साल जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये बात जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि IITs, NITs, GFTIs एंड IIITs में इस साल अप्रॉक्सीमेट 2700 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं। ये एक अच्छी बात है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत दिनों से सेम बात पूछ रहे थे कि हमारी रैंक लाखों में आई है, क्या हमें कोई ब्रांच मिल भी पाएगी। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल 2024 में द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने जेई मेंस में रजिस्टर किया था वो बढ़ चुके हैं, जिस वजह से कट ऑफ ऊपर जा सकता है। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को सीट मिल पाएगी? तो इसका जवाब है, अब आपको सीट मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। आपको कोई ना कोई सीट मिल सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको टॉप ब्रांच लाइक CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, लेकिन आपको चांसेस है कि बायोटेक, टेक्सटाइल जैसी कोई ना कोई ब्रांच आपको इन किसी कॉलेज में मिल सकती है। जो ये सीट्स इंक्रीज हुई हैं, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है जिनकी काफ़ी ज़्यादा लाखों में रैंक आई है, जैसे 5 लाख या 6 लाख, जिन्हें कोई भी चांसेस नहीं थे कि हमें सीट मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी सीट मिलने के चांसेस हैं। तो हम बात करते हैं कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। जो आप येलो वाला डेटा देख रहे हैं ये 2023 का है, और जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ये न्यू 2024 का है। अगर हम IITs की बात करते हैं देन लास्ट ईयर 2023 में 17,385 सीट्स थी, जो अब बढ़कर 17,740 हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि IITs में 355 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। कुछ सीट IIT बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर जैसे IITs में इंक्रीज हुई हैं। अगर हम NITs को देखते हैं तो लास्ट ईयर द सीट्स वॉज 23,954, जो अब बढ़कर हो चुकी हैं 29,229। इसका मतलब है 275 इंक्रीज लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बढ़ी हैं। देन अगर हम IIITs की बात करते हैं देन लास्ट ईयर इट वॉज 7,746, जो बढ़कर हो चुके हैं 8,546 एंड अप्रॉक्सीमेट 800 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। IIITs काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़, प्लेसमेंट्स और काफ़ी अच्छा कैंपस होता है। 800 सीट इंक्रीज होने का मतलब है अब आपके चांसेस बढ़ चुके हैं कि आपको इन कॉलेजेस में कोई ना कोई सीट मिल सकती है। अगर हम GFTIs की बात करते हैं देन लास्ट ईयर द सीट्स वॉज 8,067, जो अब बढ़कर हो चुकी हैं 9,402, अप्रॉक्सीमेट 1,335 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। इन सभी सीट्स को मिलाकर अप्रॉक्सीमेट 2,700 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, जिसका आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने जैक एंड जोसा काउंसलिंग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक जैक काउंसलिंग एंड जोसा काउंसलिंग रजिस्टर नहीं किया है तो आप उसे भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको व्हाट इज़ जैक काउंसलिंग, वॉट इज जोसा काउंसलिंग, कॉमन मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग प्रोसेस और हाउ टू चूज कॉलेज, ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप BITSET का एग्जाम दे सकते हैं। ये वाली वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको मोस्ट जेन्युइन रिलेटेड कॉलेज लाइफ एंड इंजीनियरिंग एंड अदर इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट मिलेगा, शायद किसी और चैनल पर उतना प्रिसाइज एंड इंफॉर्मेटिव ना मिले। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच।